अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम द टीचर ऑफ क्लास K4। टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट साइंस एंड द टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक इन लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसकी हम बाकी रीडिंग करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन है एंड देन वी डू आर एक्सरसाइज और आपका होम टास्क है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हमने अपने लास्ट टॉपिक में, अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो फ्लावर्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में कुछ स्टडी की थी। नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन, के प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं। देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट। कि एक जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो फूल प्रोवाइड करता है हमें, जो फूल उगाता है, उसके 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर कॉल्ड रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड सीड। कौन कौन से होते हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है एंड सीड होते हैं। ईच पार्ट परफॉर्म इट्स पर्टिकुलर फंक्शन। जो हर पार्ट है प्लांट का, वो अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन जो उसका होता है वो परफॉर्म करता है। रूट, द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द रूट्स एंकर प्लांट्स इन द सॉइल एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्लास, जो रूट होती है वो अंडरग्राउंड होती है, मतलब वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में हम लोग नीचे होती है, ठीक है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, आपको शो किए हुए हैं सारे पांचों के पांचों पार्ट्स, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, ठीक है, ठीके? और वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो होती है ना, उनकी जो शाखें होती हैं रूट्स की, वो फैली हुई होती हैं। द रूट्स एंकर प्लांट्स इन द सॉइल एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती हैं वो नीचे जो मिट्टी होती है, सॉइल जो मिट्टी होती है, उसमें से पानी को और मिनरल्स को जो है वो खींचती है मिट्टी के अंदर से, ठीक है। रूट्स के रूट्स जो हैं वो सारा पानी, जो हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो उनको जो है उसको अपनी तरफ खींचती है, तभी तो वो पौधे जो हैं वो उगते हैं। स्टेम, द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। अब जब हम नीचे रूट्स को, मतलब हम लोग जब दबाते हैं तो उससे फिर स्टेम निकलती है, उठती है। जब उसको पानी वगैरह या उसको खाद हम प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो, जब वो पौधे की शक्ल में निकलता है, वो स्टेम के थ्रू में निकलता है। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये ज़मीन से ऊपर उगती है। अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस, स्टेम की भी मुख्तलिफ शाखें होती हैं। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द स्टेम, के इस मतलब स्टेम के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के पत्ते होते हैं एंड इट्स ब्रांचेस, के उसकी शाखें होती हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्राम रूट्स टू द लीव्स। जो स्टेम है वो पानी को और मिनरल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लेकर, मतलब नीचे जड़ों से लेकर वो पत्तों तक पहुँचाती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द प्लांट, और ये उस पौधे को सपोर्ट भी करता है कि उसको खड़ा रखने में उसकी मदद करता है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स। द फर्स्ट थिंग यू यूजली नोटिस इन अ प्लांट इज इट्स लीव्स। कि जो सबसे पहले हम प्लांट में, पौधे में कोई चीज़ को नोटिस करते हैं वो उसके पत्ते होते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप। जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के साइज के और शेप्स के होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, मतलब उनकी शेप्स डिफरेंट ही होती हैं। यूजली द लीव्स आर ग्रीन, के अमूमन जो होते हैं वो, जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के ही, सबस रंग के ही होते हैं। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव इज़ टू मेक फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो सबसे अहम फंक्शन होता है, मतलब जो काम होता है पत्तों का, उनका ये होता है कि वो खाना बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये सबसे अहम काम होता है लीव्स का। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्लावर्स। द फ्लावरिंग प्लांट हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स। जो फ्लावरिंग मतलब जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ से खूबसूरत से फूल होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स, मतलब डिफरेंट जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे होते हैं, उनके जो मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, जो मुख्तलिफ शेप्स में और साइजेस में और रंगों में होते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर। के जो फ्रूट्स हैं और जो सीड्स हैं वो फूलों से ही बनते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज सीड्स। व्हेन सीड्स आर फ्रॉम विदिन द फ्लावर, के जब सीड्स बनते हैं फ्लावर्स में से, द एरिया अर सराउंडिंग द सीड, जो मतलब जो हिस्सा होता है इर्द गिर्द का,
सीड्स का रिपन्स इंटू फ्रूट, जब वो खुलता है तो वो फ्रूट में बन जाता है। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो के, मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, एप्रिकॉट, पीच हैव ओनली वन सीड, इसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होती है, ठीक है, एक ही बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, और कुछ ऐसे फ्रूट्स फल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, सच एज वाटरमेलन, पपाया, ग्योवा के, मतलब वाटरमेलन में भी बहुत सारे बीज आपने देखे होंगे, पपाया में भी और ग्योवा में भी। व्हेन सीड इज सोन अ न्यू प्लांट जर्मिनेट्स फ्रॉम इट, कि अगर हम किसी बीज को दोबारा जो है वो मतलब मिट्टी में दबाते हैं तो उससे एक नया पौधा जो है वो बनता है। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सीड्स, अब हम पढ़ेंगे मेजर बॉडी पार्ट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर बॉडी पार्ट्स, के बॉडी के कौन कौन से मेजर हिस्से हैं। पहले हमने फ्लावर्स के हिस्से पढ़े थे जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये डिफरेंट पार्ट्स थे। अब हम बॉडी के पार्ट्स पढ़ेंगे। मेजर बॉडी पार्ट्स वाइटल ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। टीथ, बोन, लंग्स, टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स आर मेजर बॉडी पार्ट्स एंड वाइटल ऑर्गन्स दैट वी विल स्टडी हियर, कि जो दांत है हमारी हड्डियां हैं, लंग्स है हमारे फेफड़े जो हैं, हार्ट हमारा दिल, ब्रेन हमारा जो दिमाग है, और मसल्स आर मेजर बॉडी पार्ट्स, ये हमारे जो जिस्म के मेजर हिस्से हैं, और वाइटल ऑर्गन्स है जो हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने ये डायाग्राम देख रहे हैं, डायाग्राम के अंदर आपको उन्होंने हर ऑर्गन का, हर जो मेजर हमारा पार्ट है उसको उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन हमारा क्या काम करता है, हमारे दिमाग को, हमारी पूरी बॉडी को जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। टीथ, टीथ हम जो खाना खाते हैं उसको च्यू करता है, उसको चबाने के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक है। विंड पाइप है, इसके ज़रिए हमारा जो सांस है वो लंग्स में जाता है। हार्ट, दिल जो है हमारा, वो हमारा ब्लड को पम्प करता है और वो पूरी बॉडी में हमें जो है वो प्रोवाइड होता है। लंग्स हैं वो हमारे सांस, जो विंड पाइप के थ्रू जो हमारा सांस है जो हम लेते हैं, जो हवा हम लेते हैं वो लंग्स में जाते हैं। स्टमक जिसमें हमारा खाना जाता है, जो डाइजेस्ट होता है। लिवर है, किडनीज है, ब्लड वेसल्स हैं जहाँ हमारे, मतलब जो हमारी वेन्स होती है उसमें सारा जो ब्लड होता है वो गुजरता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, मसल्स हैं, ठीक है, और बोन है। ये हमारे मेजर बॉडी पार्ट्स हैं जिसके बगैर हमारा जिस्म जो है, हमारा जो बॉडी है, हमारा स्केलेटन जो है वो काम नहीं कर सकता। अब हमने जो मेजर पार्ट्स पढ़े हैं उनको हम अलग-अलग उनके फंक्शंस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा मेजर बॉडी पार्ट है टीथ। कैन यू स्वॉलो लार्ज पीसेस ऑफ ब्रेड और मीट विदाउट च्यूइंग, के क्या हम लोग लार्ज पीसेस, जो बड़े बड़े पीस होते हैं ब्रेड के या गोश्त के, वो हम बगैर चबाए खा सकते हैं। आवर टीथ ब्रेक आवर फूड इंटू स्मॉल पीसेस, के जो हमारे दांत हैं वो हमारे खाने को डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में जो है वो ब्रेक करते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे जो दांतों में फोर टाइप्स के दांत होते हैं हमारे, ठीक है। दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन ब्रेकिंग द फ्रूट, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमारे खाने को तोड़ने में, जो मतलब हम चबाते हैं उनको चबाने में मदद देते हैं। फर्स्ट है इंसिजर, जो बाइटिंग एंड कटिंग फूड, जो उनकी आपको पिक्चर शो हो रही होगी उसका फंक्शन ये है कि जब हम खाना अंदर मुंह में डालते हैं तो उसको बाइट करता है, बाइटिंग मतलब उसको तोड़ने में और उसको कटिंग करने में हमारी मदद करता है। कैनाइन है, वो पायरेसिंग फूड एंड टीयरिंग फूड, के वो खाने को तोड़ने में हमारी मदद देता है। प्रीमोलर है वो, और जो मोलर है उन दोनों का एक ही काम है कि वो चबाने में और उसको ग्राइंड मतलब बिल्कुल छोटा छोटा करने में जो है ना वो हमारी मदद करता है। ये चार हमारे फोर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टीथ के, जो हमारे जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जब हम खाना खाते हैं, कि हमारा खाना जो है वो आसानी से हमारे अंदर चला जाए, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। के फोर, ये आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, जो हमने पीछे अभी दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक मेजर बॉडी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया और एक टीथ के बारे में मैंने आपको टॉपिक बताया, उसके अकॉर्डिंग थोड़े से तीन क्वेश्चंस हैं एज एन एक्टिविटी, ये आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन है विच थ्री बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स, के कौन से ऐसे थ्री बॉडी पार्ट्स हैं जो पेयर्स में हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर टू है डू ऑल द टीथ हैव द सेम शेप, कि सारे दांतों की शेप जो होती है वो सेम होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन बींग हैव, कि एक ह्यूमन बींग के मतलब मुंह के अंदर, एक इंसान के मुंह के अंदर कितने टोटल दांत होते हैं। ये छोटी सी एक मज़े की एक्टिविटी है, ये आपने जो है वो अपनी कॉपीज पे करनी है।
नाउ आवर नेक्स्ट मेजर बॉडी पार्ट इज बोन्स, हड्डियाँ, जो हमारे जिस्म की हड्डियाँ होती हैं वो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. प्रेस एनी बोन ऑफ योर बॉडी, इट इज़ हार्ड और सॉफ्ट, कि आप अपनी किसी भी जिस्म के हिस्से की हड्डी को दबाएं, क्या वो नरम है कि सख्त है. मोस्ट बोन्स आर हार्ड, के कुछ ऐसी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं. दे आर ऑफ वेरियस साइजेज एंड शेप्स, के वो डिफरेंट शेप्स की, मुख्तलिफ साइज की और शेप की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, द बोन ऑफ द आर्म आर लॉन्गर देन दोज ऑफ फिंगर्स, कि जो हमारे बाजू की जो हड्डी होती है वो लंबी होती है फिंगर से, मतलब उंगलियों की हड्डियों से. ठीक है, ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन एंड अदर एट जॉइंट्स, के जो सारी बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जॉइंट्स के थ्रू. ठीक है, ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन, कि हमारी जो सारी मतलब बॉडी की जो जिस्म की हड्डियां हैं वो मिलके एक फ्रेम बनाती हैं जिसको हम स्केलेटन कहते हैं. ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि सारी हड्डियां जुड़ के जॉइंट्स के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो सारी हड्डियां मिलके एक स्केलेटन बनाती हैं. कैन यू टेल द फंक्शन ऑफ बोन्स, कि आप हमें बता सकते हैं कि बोन्स का क्या फंक्शन है. What will happen if there are no bones in the human body? अगर अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हमारी human body में bones नहीं होंगी तो हमारा क्या होगा, मतलब हमारे जिस्म का क्या होगा. तो हम ना चल फिर सकेंगे, हमारा बग़ैर हड्डियों के हमारा जिस्म खड़ा ही नहीं हो सकेगा. हड्डियों के बग़ैर हमारा जिस्म जो है वो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो एक बेजान जिस्म बन जाएगा, क्योंकि हड्डियों के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. दिमाग, देखिए पहले आपको उन्होंने शो किया हुआ है आपको पिक्चर में, स्कल है, मतलब जो ब्रेन हमारा जो खड़ा है वो स्कल के पे खड़ा हुआ है. ठीक है, उसके बाद है बोन ऑफ आर्म्स, हमारे जो जिस्म मतलब बाजू की जो हड्डियां हैं, रिब्स, हम जिनको हम उर्दू में पसलियां कहते हैं. ठीक है, बोन्स ऑफ स्पाइन है, फिर हिप बोन है, फिर बोन ऑफ हैंड्स, के अपने हाथ की हड्डियां हैं हमारी, फिर बोन ऑफ लेग्स है, टांगों की जो जो हैं वो हैं हड्डियां हैं. ठीक है ना, कि मतलब जो हमारे मसल्स हैं और जो मैं नीचे हमारी लेग्स हैं उनको उन्होंने एक नी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ठीक है उस पे आके दोनों जो हैं वो जॉइंट होती हैं. ठीक है, फिर वो एक पूरी टांग जो है वो बनती है. बोन ऑफ नीज जॉइंट, मतलब नी के ऊपर दोनों हड्डियां जो हैं वो आके जॉइंट होती हैं. और बोन ऑफ एंकल, के मतलब जो हमारे पाँव के एंकल पे हड्डियां हैं. ठीक है, ये पूरा आपको स्केलेटन सिस्टम उन्होंने दिया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स. When we breathe, which part of our body is filled with air? कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हवा से भर जाता है. Obviously हमारे lungs जो हैं वो हवा से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे lungs ही हमारी help करते हैं हमें सांस लेने में. During breathing, air enters our lungs through nose, के मतलब सांस लेते हुए जो हवा है वो हमारे अंदर enter होती है हमारे lungs में, नाक के ज़रिए, थ्रू नोज, नाक के ज़रिए, क्योंकि हम सांस नाक के ज़रिए लेते हैं तो वो विंड पाइप के थ्रू जो है वो हमारे लंग्स में जो है वो एंटर होती है. और माउथ में भी जब हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं तो वो भी हमारे विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में ही एंटर होती है. फ्रॉम नोज एयर गोज़ इन टू आर विंड पाइप, के वही बात कि सांस के ज़रिए जो हवा है वो विंड पाइप में जाती है और जो विंड पाइप है वो लंग्स में जाके ओपन होता है. द विंड पाइप ओपन्स इन टू लंग्स, के विंड पाइप जो है वो लंग्स में जाके हमारे फेफड़ों में जाके ओपन खुलती है. द लंग्स आर सराउंडेड बाई रिब्स, जो लंग्स होते हैं वो हमारे जो रिब्स के जो होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो रिब्स होती हैं हमारी. ठीक है, आवर लंग्स कीप एन एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स, के जो हमारा ऑक्सीजन जो है वो चेंज होता है मतलब ब्लड में और हवा के ज़रिए, जो बिटवीन ब्लड एंड एयर, कि ऑक्सीजन जो चेंज होती है हमारी खून में और हवा में वो लंग्स के थ्रू होती है, वो लंग्स में जाके होती है. ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर, कि हवा में और ब्लड में जो हमारी ऑक्सीजन का जो चेंज होने का प्रोसेस होता है वो हमारे लंग्स में होता है. आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, आपको लंग्स भी शो किए हुए हैं, नोज़ के थ्रू जो है वो हवा विंड पाइप में जा रही है, माउथ के थ्रू भी जो हवा है वो पहले विंड पाइप के थ्रू जो है वो लंग्स में जाके ओपन होती है. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड. नाउ आवर नेक्स्ट मेजर पार्ट इज हार्ट. पुट योर हैंड ऑन द रिब्स ऑफ द लेफ्ट साइड, डू यू फील द बीट, कि आप अपने लेफ्ट साइड के ऊपर अपने रिब्स में जो है वो अपना हाथ रखें तो क्या आपको हार्ट बीट, एक धक धक करने की बीट सुनाई देगी. द बीट यू फेल्ट इज़ दैट ऑफ द हार्ट, वो जो बीट आपको महसूस होगी वो आपके हार्ट की होगी, आपके दिल की होगी.
द हार्ट इज़ सराउंडेड बाय द रिब्स, जो हार्ट है वो भी उसके इर्द गिर्द भी रिब्स आती हैं। इट वर्क्स लाइक अ पंप थ्रू आउट द लाइफ, ये हमारे जो मतलब एक पंप करता है हमारे ब्लड को सारी ज़िंदगी के लिए। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो बॉडी को जो है वो रिलैक्स करते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, के जो हार्ट का जो फंक्शन हो हार्ट का ये फंक्शन है कि वो ब्लड को जो है वो पंप करता है और वो फिर पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब वेन्स के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स, जिससे हमारे खून पूरी बॉडी में पहुंचता है। राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक, कि हमारा स्टमक का क्या फंक्शन है। द स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन, कि एक स्टमक जो है वो जो आपने पिक्चर में देखा होगा कि बैग की तरह एक ऑर्गन है, हमारा हिस्सा है जिस्म का। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द हार्ट, कि ये हार्ट के बिल्कुल नीचे हमारे लेफ्ट साइड पे होता है। राइट, मतलब हार्ट के नीचे। इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का, कि जहाँ हमारा खाना जाता है, ठीक है, जहाँ डाइजेस्ट होना होता है हमारा खाना। It secretes digestive juice. The muscles of the stomach grind the food and the digestive juice digest the food. कि जो हमारे digestive, जो हमारा digestive tract होता है उसके अंदर एक digestive juice भी होता है, जो मतलब हमारे जो stomach के जो muscles होते हैं वो food को grind करते हैं और जो इसका digestive juice होता है वो हमारे खाने को digest करता है, कि हजम करता है। ठीक है, stomach हमारा वो body का हिस्सा है जहाँ पर जहाँ हमारा खाना जाता है, जाके वो grind होता है और उसके जो stomach के जो muscles हैं वो हमारे खाने को grind करते हैं और जो उसका डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे खाने को हजम करता है। ठीक है, मसल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं वो हमारे जिस्म के डिफरेंट हिस्से होते में प्रेजेंट होते हैं। मसल्स आर आल्सो अटैच विद बोन्स, मसल्स जो हैं वो हमारे बोन्स के साथ जो हैं वो अटैच जुड़े हुए होते हैं। दे आर सॉफ्ट और कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, के बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। ठीक है, दे आर पिंक और रेड इन कलर, के वो पिंक में कलर में या रेड कलर में होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द मीट ऑफ काउ, गोट और हैन, कि आपने गोश्त देखा होगा गाय का भी, बकरे का भी और मुर्गी का भी। व्हाट इज़ देयर कलर, उनका क्या कलर होता है, कि उनके कलर की तरह जो है वो हमारे मसल्स जो हैं वो होते हैं। मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, के मसल्स जो हैं हमारे उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके फंक्शन हैं। मसल्स वर्क विद द बोन्स and joints to help you move hands, arm, feet and legs, के muscles हमारे जो हैं वो हड्डियों के साथ, bones के साथ काम करते हैं, हमारे joints मतलब हमारे जोड़ों के साथ काम करते हैं, कि हम और वो हमें मदद देते हैं कि हम अपने हाथों को, आर्म को, अपने बाजू को, पैरों को और अपनी टांगों को हिला सकें। ड्यू टू दीज मूवमेंट, कि इन मूवमेंट्स के ज़रिए हम लोग वी कैन सिट, के हम बैठ सकते हैं, वॉक चल सकते हैं, रन भाग सकते हैं, एंड जंप, कि हम भाग दौड़ कर सकते हैं। आवर हार्ट पम्प्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, के हमारा जो हार्ट हमें हमारा ब्लड पम्प करता है वो मसल्स की मदद से करता है। मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, के मसल्स के ज़रिए ही जो है वो फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। इट इज़ ड्यू टू मसल्स दैट आवर लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, के ये मसल्स ही हैं कि जिनकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो फूलते हैं और फिर श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक मज़े की इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि व्हेन वी स्माइल, के जब हम लोग एक इन्फॉर्मेशन है, व्हेन वी स्माइल 14 मसल्स आर नीडेड, कि जब हम हंसते हैं तो हमारे हमें 14 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, कि एक ह्यूमन बॉडी के इंसान के अंदर 600 मसल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज़ ड्यू टू मसल्स, के हमारा आधा जो वजन जिस्म का होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, व्हेन द मसल्स अटैच्ड विद बोन्स कॉन्ट्रैक्ट द पुल द बोन्स, के जब मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, दे पुल द बोन, के वो हड्डियों को हिलाते हैं, मतलब हड्डियों को हिलाने में हमारी मदद करते हैं। ड्यू टू दिस बोन्स मूव एट द जॉइंट, इससे जो होता है वो हड्डियाँ जो हैं वो जॉइंट के साथ मिलती हैं। अ जॉइंट इज़ वेयर बोन्स आर कनेक्टेड, और जॉइंट वो हिस्सा है जहाँ पर दो हड्डियाँ जो हैं वो आपस में मिलती हैं। ये देखें, एक के ऊपर से शोल्डर की बोन आ रही है और इधर से
आर्म की बोन आ रही है, दोनों आके नी पे मिल इस पे मिलती हैं और ये मसल को रिलैक्स करती हैं और फिर ये जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्बो, रिस्ट, नी, ईटीसी, इनकी एग्जांपल्स हैं कि ये जो रिस्ट बोन आ रही है ये फिंगर्स की रिस्ट के साथ यहाँ पे आके फिंगर्स की आर्म की और फिंगर्स की जो बोन्स हैं वो मिलती हैं तो रिस्ट बोन बन जाती है, राइट ना। इसी तरह उसके बाद नी की आती थी, वो मैंने आपको पहले एग्जांपल एक समझाई थी। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो हैं वो पेयर्स में काम करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर रिलैक्सेस, कि जब एक मसल काम कर रहा होता है तो दूसरा मसल जो है वो आराम मतलब रिलैक्स कर रहा होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेन। द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो सबसे अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का। इट इज़ प्रेजेंट विद इन आवर स्कल, ये हमारे जो स्कल मतलब जो ऊपर हमारा दिमाग होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, और वो हमारे जिस्म के पूरे हिस्सों को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है उसके फंक्शंस को। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कि वो इंफॉर्मेशन लेता है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड डिसाइड्स द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स आवर बॉडी शुड गिव, कि वो अपने हमारे जिस्म के डिफरेंट हिस्सों से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि हमने किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है और मैंने क्या अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि उसने किस तरह से मूव करना है। सो विदाउट ब्रेन वी कॉन्ट वर्क, राइट। अब आपको ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये भी आपने अपनी कॉपीज पे करनी है अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। कंप्लीट द टेबल है, आपने एक टेबल जो है ये कंप्लीट करना है। नेम ऑफ द बोन्स आपको दिए हुए हैं, आपने उनके फंक्शंस लिखने हैं, सिर्फ जस्ट एक वन लाइन में आपने उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। स्कल, रिब्स, बोन्स ऑफ द हैंड एंड बोन्स ऑफ द लंग, ये आपको चार बॉडी पार्ट्स मैंने दिए हुए हैं, आपने इनके फंक्शंस लिख लें लेकिन जस्ट इन वन लाइन, एक लाइन में आपने उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है और ये काम अपने अपनी कॉपीज पे करना है। के फोर, ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अब समझा दूं कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट है, लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, के लिविंग थिंग जो है उनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उसमें है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, नंबर टू है, प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स वेयर एज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, के प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और उसके मुकाबले में एनिमल्स जो हैं वो पौधों पर डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। नंबर थ्री है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड सनलाइट वाटर एंड एयर, के दोनों मतलब प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को ही सनलाइट की भी जरूरत होती है, खाने की भी, फूड वाटर एंड एयर। नंबर पार्ट फोर है, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, के एनिमल्स दो हिस्सों में मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। नंबर फाइव है, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, के प्लांट्स जो हैं उनको भी टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो हैं जिनके ऊपर फूल उगते हैं और नॉन फ्लावरिंग वो हैं जिनके ऊपर फूल नहीं उगते हैं। नंबर सिक्स है, द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नंबर सेवन है, टीथ, बोन्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, मसल्स एंड ब्रेन आर द मेजर पार्ट्स एंड वाटर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि जो टीथ हैं, बोन्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, मसल्स जो हैं ये हमारे मेजर बॉडी पार्ट्स हैं और वाइटल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के। नंबर एट है, द मसल्स ऑफ टीथ इज टू च्यू फूड, बोन प्रोटेक्ट्स बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स, द फंक्शन ऑफ लंग इज टू ब्रिंग एयर इन टू द बॉडी, ये मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ये इसके की पॉइंट्स है, ठीक है। हार्ट प्लांट इन द बॉडी, द फंक्शन ऑफ स्टमक इज टू डाइजेस्ट फूड, द मसल अटैच्ड विद बोन्स मूव द बॉडी पार्ट्स, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स। रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड सीड्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट, राइट। नंबर टेन है, द फंक्शन ऑफ फ्रूट इज टू एंकर द प्लांट इन टू द ग्राउंड एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कि वही बात लगे कि रूट्स का क्या फंक्शन है, कि वो जो है वो ज़मीन में से जो है पानी अब्जॉर्व करता है और मिनरल्स लेता है सॉइल में से, ठीक है। नंबर इलेवन है, द फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि वही फंक्शन जो है स्टेम का क्या है कि वो वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से लेके और देता है ऊपर वाले हिस्सों को प्लांट्स के अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। नंबर ट्वेल्व है, द फंक्शन ऑफ लीव इज़ टू मेक फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, के फंक्शन है लीव्स का ये कि वो खाना बनाता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नंबर थर्टीन है,
द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस सीड, कि फ्लावर का ये फूल का ये फंक्शन है कि वो हमें सीड मतलब हमें बीज प्रोवाइड करते हैं. द सीड जर्मिनेट्स एंड न्यू मेक न्यू प्लांट्स, के हम सीड्स को जब दोबारा मतलब दबोते हैं मट्टी के नीचे उसको सॉइल में, तो वो हमें दोबारा एक नया प्लांट देता है. ये हमारा चैप्टर था और ये इसके की पॉइंट्स थे कि हमने इसमें क्या कुछ हमने पढ़ा है. अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर्स. ये काम आपने अपनी कॉपीज पे करना है, ठीक है. जो जो कुछ मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं वो भी आपने अपनी कॉपीज पे करनी है. रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपने अपनी कॉपीज पे नहीं लिखनी, और ये एक्सरसाइज जो है ये आपने अपनी कॉपीज पे करनी है. फर्स्ट हमारे पास है टेक द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ कॉमन अमंग बटरफ्लाई एंड बर्ड एंड बैट, के क्या चीज़ कॉमन है बटरफ्लाई में, बर्ड में और बैट में? टीथ, हेयर, बोन्स या विंग्स? तो विंग्स एंड में कॉमन है. मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, के मैनी जो प्लांट्स हैं वो फ्रूट्स जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, तो किस चीज़ के लिए वो हमें प्रोड्यूस करते हैं? टू प्रोटेक्ट सीड्स, टू प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द सीड्स, टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, या टू स्टॉप सीड्स फॉर डिस्पर्सल. सो टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? बी वाला पार्ट है टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स. नंबर सी है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, के कौन सा ऐसा प्लांट का हिस्सा, प्लांट में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो एब्सेंट होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में? तो इसके ऑप्शंस हैं रूट, सीड, फ्लावर और लीव. तो फ्लावर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में. पार्ट डी है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स, के सारे वर्टिब्रेट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? नंबर ए हैव फोर, नंबर बी हैव मोर देन फोर लेग्स, नंबर सी हैव बैकबोन, नंबर डी कैन फ्लाई इन एयर. तो इसका जो सही ऑप्शन हैव बैकबोन, के वर्टिब्रेट्स की जो है वो बैकबोन होती है. तो नंबर सी पे आप टिक करेंगे. नंबर ई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, के इसमें से आपका कौन सा जो ऐसा प्लांट है वो नॉन फ्लावरिंग है? एप्पल, रोज, मैंगो या पाइन? तो इसका आंसर है पाइन. क्या आंसर है? पाइन. अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन है राइट एनी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, के आपने कोई सा चार करेक्टरिस्टिक करेक्टर लिखने हैं अबाउट लिविंग थिंग्स के. ना आंसर है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, नंबर वन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स कैन सेंस. ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं राइट. आई रिपीट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, के ये बड़े हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ कि ये सांस ले सकते हैं, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन कि ये चल फिर सकते हैं खुद से, और लिविंग थिंग्स कैन सेंस कि ये महसूस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि आपने कोई से थ्री डिफरेंस लिखने के प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसे कौन से थ्री डिफरेंस हैं. द आंसर है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज फॉलोस, कि थ्री डिफरेंस जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या तीन द थ्री मेन डिफरेंस आर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है. ये अब आपने जो है इस तरह कॉलम बनाना है और फिर इनका जो है वो डिफरेंस लिखना है. नंबर वन है यूजुअली ऑफ वेरियस कलर्स, के एनिमल्स जो हैं वो आमतौर पर डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनका कुछ सारे का कोई सेम कलर नहीं होता. और प्लांट्स यूजुअली ग्रीन इन कलर, के वो आमतौर पर जो है वो अमूमन ग्रीन कलर के ही होते हैं प्लांट्स, ठीक है. नंबर टू है दे कांट मेक देयर ओन फूड, के एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और प्लांट्स का है दे मेक देयर ओन फूड, के वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. नंबर थ्री है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, के एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं, और प्लांट्स का है दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, के प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, के आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताना है कि इनका डिफरेंस एक कोई भी बताना है. तो इसी तरह आपने इनका भी कॉलम बनाना है, एक जगह वर्टिब्रेट्स और एक दूसरी जगह इनवर्टिब्रेट्स लिखना है. तो वर्टिब्रेट्स का होता है कि हैव बैकबोन, कि इनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स है कि इनकी बैकबोन नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर, कि बोन्स और मसल्स जो है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक साथ परफॉर्म करते हैं. मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड्स, आर्म, फीट एंड लेग्स. ड्यू टू दीज मूवमेंट्स वी कैन सिट, वॉक, रन एंड जम्प. आई रिपीट मसल्स वर्क विद द बोन्स एंड जॉइंट्स टू हेल्प यू मूव हैंड्स,
arm, feet and legs. Due to these movements, we can sit, walk, run and jump. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस. के आपने टीथ की टाइप्स पर बतानी है कि टीथ कितने किस्म का होता है और उनके क्या फंक्शन होते हैं. द आंसर इज देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ. के जो टीथ की चार टाइप्स होती हैं, आपने इसी तरह कॉलम बना के और फिर आंसर लिखना है. टाइप्स एक जगह लिखें, टाइप्स ऑफ टीथ देन फंक्शंस. फर्स्ट वाला है इंसाइजर, बाइटिंग एंड कटिंग फूड. कि ये हमारे खाने को बाइट करता है, मतलब हमें बाइट करने में, तोड़ने में और उसकी कटिंग करने में मदद देता है. कैनाइन, पारेसिंग एंड टीयरिंग फूड. नंबर थ्री है प्रीमोलर, चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड. और फोर्थ है मोलर, है चूइंग एंड ग्राइंड फूड. प्रीमोलर एंड मोलर टीथ का सेम फंक्शन है, चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन. कि हमारा लॉन्ग, हमने अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन है. अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दे के फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने हैं. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट्स. के हमने फंक्शन डिस्क्राइब करना है कि लंग्स और हार्ट का क्या फंक्शन है. आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द हेडिंग ऑफ लंग्स, देन वी विल डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स. द फंक्शन ऑफ लंग इज टू ब्रिंग एयर to the body. During breathing, air enters in our lungs through nose. The exchange of oxygen between blood and air takes place in the lungs. I repeat, the function of lung is to bring air to the body. के function जो है वो हमारे lung का ये function है कि वो हमारी body में air provide करता है. During breathing, के सांस लेते हुए air जो है, हवा जो है वो enter होती है lungs में नाक के जरिए. और द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर, कि जब ऑक्सीजन चेंज हो रही होती है ब्लड में और एयर में, तब वो ये फंक्शन जो है वो लंग्स में परफॉर्म हो रहा होता है. नेक्स्ट है हमारा हार्ट. नाउ यू विल गिव द हेडिंग ऑफ हार्ट, देन यू विल राइट द फंक्शन ऑफ हार्ट. द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड इन द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. के फंक्शन, हार्ट का ये फंक्शन है कि वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ब्लड को, और वो हमारी पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है थ्रू ब्लड वेसल्स. द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द बॉडी. ये जो मसल्स होते हैं हार्ट का, वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं. नाउ के फोर, दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू अगेन. कि आपने एक ये एक्टिविटी आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है. टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइंस वेयर एज अ रैट हैज़ लार्ज इंसाइजर्स. के ये जो टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में है कि टाइगर के जो कैनाइन टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और रैट के जो इंसाइजर टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं. अ टाइगर यूजेज इट्स कैनाइन फॉर पारेसिंग द प्रे एंड रैट यूजेज इट्स इंसाइजर फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग इट्स प्रे. ठीक है, कि जो टाइगर के जो कैनाइंस हैं वो गोश्त को फाड़ने फूड़ने के, या मतलब उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और जो रैट के इंसाइजर टीथ हैं वो उसके खाने को चबाने में और उनको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास दो क्वेश्चंस हैं. व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनाइन टीथ. एंड क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डज अ रैट डू विद इट्स इंसाइजर टीथ. ये आपने बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि टाइगर क्या करता है अपने कैनाइन टीथ के साथ और रैट क्या करता है अपने इंसाइजर टीथ के साथ. आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर एंड काइंडली डू योर वर्क इन योर नीट कॉपीज विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.